नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। दोस्तों, आजकल लोग भोजपुरी फिल्मों भी बड़े चाव से देखते हैं। हिंदी फिल्मों की तरह भोजपुरी फिल्में भी अब दर्शकों को खूब भा रही है। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ऐसे कलाकार हैं जो लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हैं। हालांकि इनमें से कई भोजपुरी फिल्मों के अलावा बाहर के फिल्मों में भी काम कर चुके हैं और अपनी काबिलियत का लोहा मनवा चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भोजपुरी फिल्मों के कुछ ऐसे सुपरस्टार्स के बारे में जिन्होंने ना सिर्फ भोजपुरी फिल्मों में अपने नाम का डंका बजाया है बल्कि बाहर के फिल्मों में भी अपना जबरदस्त जलवा बिखेरा है। तो सबसे पहले बात करते हैं रवि किशन के बारे में। रवि किशन इन दिनों भाजपा का दामन थामे हुए हैं और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से भाजपा के सांसद भी हैं। भोजपुरी इंडस्ट्रीज में कई सुपरहिट फिल्में देने वाले रवि किशन भोजपुरी फिल्मों के अलावा हिंदी फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। रवि किशन हिंदी सिनेमा के सुपरहिट फिल्म तेरे नाम में भी नजर आए थे। अपनी दमदार अभिनय की वजह से आज रवि किशन दर्शकों के बीच काफी मशहूर हैं। अब बात करते हैं आम्रपाली दुबे के बारे में। आम्रपाली दुबे भोजपुरी फिल्मों की सुपरस्टार हैं। उन्होंने न सिर्फ भोजपुरी फिल्मों में बल्कि हिंदी टीवी सीरियल्स में भी बेहतरीन अभिनय किया है। रहना है तेरी पलकों की छांव में, सात फेरे और मायका जैसी टीवी सीरियल्स में भी वो नजर आ चुकी हैं और अपने अभिनय के दम पर छोटे पर्दों पर भी अपना धाक जमा चुकी हैं। रश्मि देसाई भोजपुरी फिल्मों की जानी मानी एक्ट्रेस हैं। 2004 से 2010 तक उन्होंने लगभग 19 भोजपुरी फिल्मों में काम किया है। रश्मि हिंदी टीवी सीरियल्स में भी काम कर चुकी हैं। वो उत्तरन, दिल से दिल तक जैसे टीवी सीरियल्स में नजर आ चुकी हैं। विनय आनंद भोजपुरी फिल्मों के अलावा हिंदी सिनेमा का भी जाना पहचाना चेहरा रह चुके हैं। गोविंदा की फिल्म आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया में भी विनय आनंद नजर आए थे। अब बात करते हैं मोनालिसा के बारे में। मोनालिसा का असली नाम अंतरा विश्वास है। मोनालिसा भोजपुरी फिल्मी दुनिया की मशहूर एक्ट्रेस हैं। इन्होंने कई सुपरहिट भोजपुरी फिल्मों में काम किया है। मोनालिसा 2016 में बिग बॉस 10 का भी हिस्सा रही थी। भोजपुरी फिल्मों के अलावा वो बंगाली, तमिल, ओडिया, कन्नड़ और तेलुगु इंडस्ट्रीज में भी काम कर चुकी हैं। अब बात करते हैं मनोज तिवारी के बारे में। मनोज तिवारी इन दिनों भाजपा से सांसद हैं और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के जबरदस्त एक्टर रह चुके हैं। उन्होंने भोजपुरी के कई सुपरहिट फिल्में दिए हैं। मनोज तिवारी हिंदी सिनेमा में भगत सिंह के जीवन पर बनी ऐतिहासिक जीवनी फिल्म 23 मार्च 1931 शहीद का हिस्सा रह चुके हैं। अब मनोज तिवारी अभिनेता से नेता बन चुके हैं। रानी चटर्जी भोजपुरी फिल्मों की सुपरस्टार एक्ट्रेस रानी चटर्जी ने अपनी करियर की शुरुआत साल 2003 में की थी। हाल ही में रानी चटर्जी ने पंजाबी फिल्म आसरा से डेब्यू किया है। इन दिनों वो टीवी शो गुड़िया हमारी सभी पे भारी के हिस्सा हैं। अब बात करते हैं पाखी हेगड़े के बारे में। पाखी हेगड़े भी भोजपुरी फिल्मों की मशहूर चेहरा रह चुकी हैं। भोजपुरी फिल्मों के अलावा पाखी ने मराठी फिल्मों में भी काम किया है। पाखी हेगड़े अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म गंगा देवी में भी नजर आ चुकी हैं। शुभी शर्मा ने भोजपुरी फिल्मों में आइटम सॉन्ग कर दर्शकों को खूब मनोरंजन करती हैं। इसके अलावा वो वेलकम बैक में एक गाना 2020 में जॉन अब्राम के साथ भी डांस करती हुई नजर आई थी। तो ये भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्रीज के कुछ ऐसे नाम हैं जिन्होंने भोजपुरी के बाहर भी अपना जलवा बिखेरा है। तो आज के लिए बस इतना ही। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज। धन्यवाद।